दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा फिल्म मंजे बिस्तरे का, और इस फिल्म के लीड रोल्स में है गिप्पी गरेवाल और सोनम बाजवा। फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक सपने से, और इस सपने में गिप्पी गरेवाल एक घोड़े पर बैठकर आ रहे हैं और डोगरा निकल बाहर बटिया बदमाशा। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और सुखी यानी कि गिप्पी गरेवाल अपनी मम्मी को लेकर दुकान में जूतियां लेने जाते हैं, पंजाबी जूतियां लेने के लिए, और वहां पर उनकी नजर मिलती है सोनम बाजवा से। जैसा अक्सर हिंदी फिल्मों में होता है कि हीरो ने हीरोइन को देखा, नजरें मिली और उनको प्यार हो जाता है, वैसा ही इस फिल्म में दिखाया गया है कि जैसे ही सुखी की नजर रानू यानी कि सोनम बाजवा से टकराती है और उनको प्यार हो जाता है। अब कहानी में आगे क्या होता है, क्या रानू को सुखी से प्यार हो जाता है, या सुखी जो है वो रानू को अपने दिल का इजहार कर पाता है? अब ये सब देखने के लिए आपको थिएटर में जाना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म में बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे आपको बहुत सारा मजा आएगा, और उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी थिएटर में जाकर। अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले की। फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा है गिप्पी गरेवाल। फिल्म का कॉन्सेप्ट नया है और फिल्म में जो कल्चर दिखाया गया है वो बहुत पुराने पंजाब का दिखाया गया है, और बताया गया है कि हमारा जो कल्चर था वो कितना रिच होता था जो आज खत्म होता जा रहा है। आपको ये स्टोरी देखकर मजा आएगा कि कैसे पंजाब में शादियां होती थी पुराने टाइम में, और कैसे रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, और कैसे जो हलवाई था वो 3-4 दिन पहले ही आ जाता था, और कैसे पूरे गांव में जाकर मंजे बिस्तरे इकट्ठे किए जाते थे, जो इस मूवी की मेन थीम है। स्टोरी के बाद बात करते हैं बाकी स्टार कास्ट। फिल्म में गुरप्रीत गुग्गी हैं, राणा रणबीर हैं, बीएन शर्मा हैं, सारा गुरपाल हैं, इन सब ने अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से निभाया है, और कई जगह पर आपको राणा रणबीर, गुरप्रीत गुग्गी, बीएन शर्मा की कॉमेडी देख के बहुत ही मजा आएगा। और अब बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। फिल्म का म्यूजिक दिया है जेके यानी कि जस्सी कटियाल ने और जेसन थिन ने, बहुत ही अच्छा म्यूजिक दिया है। गाने बहुत ही सिचुएशन के हिसाब से क्रिएट किए गए हैं, और जो सबसे ज्यादा सुपरहिट गाना मुझे लगा वो है दुबई वाले शेख। लीड रोल्स की बात हो गई, स्टोरी की बात हो गई, स्क्रीन प्ले की बात हो गई, सपोर्टिंग स्टार कास्ट की बात हो गई, म्यूजिक की बात हो गई, और अब सबसे मेन बात वो है डायरेक्शन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बलजीत सिंह देओ ने, और उनकी डायरेक्शन बहुत ही अच्छी है। कुछ सीन्स को इतनी खूबसूरती से शूट किया गया है कि आपको बहुत ही मजा आएगा देखकर। तो इन दी एंड मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि गिप्पी यानी के सुखी और सोनम बाजवा यानी के रानू का जादू चल गया है, और फिल्म सुपरहिट हो जाएगी जो मुझे देखकर लग रहा है। और बाकी आप सब भी जाइए थिएटर्स में, टिकट बुक करवाइए, और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा इंजॉय करके आइए, हंसी मजाक करिए और फिल्म को फुल इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है, पैसा वसूल है और वीकेंड भी है। तो आप सब जाइए और इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। मेरी तरफ से इस मूवी को 4 स्टार। थैंक यू।